बसमर मैं आपका भाई और बड़े भाई का छोटा भाई आप सब से मुखातिब हूँ मेरा ये पैगाम बड़े भाई के लिए है कि परसों मैं उनसे माजरत करना चाहता हूँ परसों भावल नगर में जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद जब दो हम दोनों भाई इकट्ठे थे तो मेरे मुँह से एक गलती से ये बात निकल गई थी कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को मारता रहता है उसी सिलसिले में मैंने माजरत करनी थी के बाद में शायद सबको तुलसानी तो की वजह से या जैसे कहते हैं आम जुबान में कि ज़ुबान गोता खा गई थी ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी तो अमिताभ बच्चन की बड़ा अरसा पहले मैंने फ़िल्म देखी थी सूर्या वंशम उसमें वो कहता है कि जो पत्थर जो पत्थर है वो जोरी के हथौड़े की मार है या उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी भी है हीरा नहीं बन सकता तो भाई के बारे में सारे घर वालों को पता है कि भाई किस कदर बेहतरीन जोरी हैं और वो दीगर भाइयों की तराश हराश वक्तन फवक्तन ख़ुद भी करते रहते हैं लेकिन बड़े अरसे से ये काम भाई ने मेरे भी जिम्मे लगाया हुआ था तो मैंने भी भाई के कहने पर जो दीगर घर के रहने वाले भाई हैं उनकी सलाह किए रखी और भाइयों की तराश फराश किए रखी थी तो लेकिन मैं शायद ये ग़लती कर बैठा था ये ये गुमान मेरे जहन में आ गया था कि मैं भाई का शायद बहुत लाड़ला हूँ भाई आपने बड़ा अच्छा किया है जो मेरी भी तराश खराश कर दी है लेकिन एक थोड़ा सा ये शिकवा है वो आपसे बनता है और ये भी बड़ी माजरत के साथ पेश की माजरत कर रहा हूँ ये आपसे शिकवा कर रहा हूँ क्योंकि आप भाई हैं भाई से शिकवा करना बनता है बड़े हमारे प्यारे भाई हम सबसे बहुत प्यार करने वाले हैं तो बड़ा ये माजरत के साथ आपसे शिकवा कर रहा हूँ कि जो है मैं आपका लाडला तो बन गया था आपके कहने पर दीगर भाइयों की मैंने तराश हराश किए रखी लेकिन जो आपने भी मेरी भी तराश हराश वक्तन फ़वकाता किए रखी है लेकिन इस मरतबा जो तराश खराश हुई है तो वो थोड़ी सी है ना ज़्यादा हो गई है और उस तराश हराश की जो चीखें हैं वो घर में रहने वाले तमाम लोगों ने सुन ली हैं और इसकी वजह से आप ऐसे लगा लें कि भाई आपने तो मुझे अचानक से कोहे नूरी बना दिया है तो इस तराश खराश से है ना मुझे थोड़ी सी है ज़रा तकलीफ़ हुई है तो मकसद आपसे शिकायत करना नहीं है मकसद ही सिर्फ ये बताना है कि भाई जो आप तराश खराश कर रहे हैं ना मैं तो इससे नाराज़ नहीं होता मैं तो इस तराश खराश का आदि हूँ क्योंकि मेरे दीगर भाई भी तराश खराश किए रखते हैं और दीगर भाई भी जब भी किसी भाई को मौका मिलता है तो वो मेरी तराश खराश करता है इससे और होगा कि अभी दीगर भाई हैं आप के जो नक्शे कदम पर चलते हुए वो मजीद मेरी तराश ख़राश करेंगे लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस तराश खराश का आती हूँ लेकिन भाई आपको पैगाम ये देना था कि जो हमारा भाई अवाम खान है वो भी आपकी तराश खराश करना चाहता है बड़े अरसे से तो आप उसके बारे में ना थोड़ा सोच लीजिएगावा खान के बारे में जो हमारा भाई है वो भी क्योंकि इसी घर में रहता है और वो आपकी इस तराश खराश से नाराज है मेरे साथ भी वो नाराज़ है कि जो मैंने आपके कहने पर तराश खराश उसकी किए रखी है नाराज़ वो मेरे साथ भी है लेकिन आप थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैं तो इस तराश खराश का आदि हूँ वक्ता फवक्ता है ना वो मुझ पर तो गुस्सा करता रहता है लेकिन आपकी मुझे ज़्यादा फिक्र है कि जिस वक्त आपकी तराश खराश होगी तो शायद आप इस तराश खराश के आदि नहीं हैं आप ये तराश खराश बर्दाश्त ना कर सकें तो भाई आपको यही मैसेज देना था आपको यही पैगाम देना था कि अपना ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा मैं फिर दोबारा आपसे माजरत करता हूँ ये गिला नहीं है ये शिकवा नहीं है सिर्फ़ आपको पैगाम देना था ये अल्लाह पाक आपका और हम सब का नासिर हो और हमें आयन पाकिस्तान के तहत रह कर मुल्क पाकिस्तान खुदादाद की हिफाजत करने की और सही मायनों में खदमत करने की तोफ़ी फरमाए आमीन पाकिस्तान जिंदाबाद पंजाब पुलिस पर